बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप आई लव यू फाइन एंड इन द अमान ऑफ अल्लाह। लेट्स स्टार्ट आवर वर्क टुडे। वी स्टार्ट फ्रॉम इंग्लिश। ओपन योर बुक पेज नंबर 4। ओपन योर इंग्लिश बुक पेज नंबर 4। एज यू नो, यस्टरडे वी लर्न अबाउट द फर्स्ट अल्फ़ाबेट विच वॉज ए। The first alphabet which was A. Today we have again the alphabet A. Read the statement, trace, match and color the letter A. Trace, match and color the letter A. First of all, trace the letter A. Then match it to its relevant picture that start from A. A for apple. A for apple, A for aunt, A for arrow. There are three things. This is teddy bear. Teddy bear is not start with the alphabet A. A for apple, A for arrow, A for aunt. Again, repeat it. A for apple, A for aunt, A for arrow. First of all, match the letter A with apple, arrow and aunt, and then color these three pictures सबसे पहले आपने क्या करना है, A को आपने ट्रेस करना है, मेक अ सी, देन अप टू डाउन एंड मेक अ टेल A, फिर आपने उसको एप्पल से मैच करना है, A फॉर एप्पल, A फॉर एरो, फिर एरो से मैच करना और आंट से आपने इसको मैच कर। ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 5। ओपन योर इंग्लिश बुक पेज नंबर 5। आइडेंटिफाई एंड कलर द ऑब्जेक्ट रेड। आपने रेड कलर की पहचान करनी है और इन पिक्चर में से जो भी उस जिसमें रेड कलर आता है आपने उसको कलर करना है। ठीक है, दिस इज़ रेड कलर, दिस इज़ रेड कलर, दिस इज़ ऑल्सो रेड कलर। ओके, आई हैव अ रेड कलर, this is red color. Okay, now tell me which picture has a red color. This is banana, banana has a yellow color, this is teddy bear and this is strawberry, this is strawberry. आपने strawberry को red color करना है, strawberry में red color होता है। ठीक है, red color apple में होता है और strawberry में होता है। ठीक है, banana में yellow होता है और टेडी बेयर हर कलर में होता है। स्ट्रॉबेरी जो है वो रेड कलर की होती है, आपने रेड कलर स्ट्रॉबेरी को करना है। अगेन कम टू द प्रीवियस पेज, लेटर ए, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एरो, ए फॉर आंट, एंड देन रेड कलर वी कलर द स्ट्रॉबेरी, वी कलर द स्ट्रॉबेरी रेड कलर। ओके डियर स्टूडेंट्स, ओके डियर स्टूडेंट्स, कम टू अवर नेक्स्ट वर्क विच इज़ मैथ्स। ओपन योर मैथ्स बुक पेज नंबर 6। ओपन योर मैथ्स बुक पेज नंबर 6। रीड द स्टेटमेंट, ट्रेस, काउंट एंड सर्कल। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेस, देन काउंट एंड देन सर्कल द नंबर 2। प्रीवियस डे वी लर्न अबाउट द नंबर 1। वी लर्न अबाउट द नंबर 1। टुडे वी हैव द नंबर 2। 2 कम्स आफ्टर 1। ओके, हाउ वी राइट नंबर 2? मूव योर पेंसिल अप टू डाउन, मेक अ सी, देन अप टू डाउन लिटिल बिट इन अ स्लैंटी लाइन एंड स्ट्रेट, दिस इज द नंबर 2। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई रिपीट इट, मेक अ सी, अप टू डाउन एंड स्ट्रेट, एंड काउंट विद मी, हाउ मैनी नैप्स आर देयर, हाउ मैनी नैप्स आर देयर, 1 and 2, show me your 2 finger, 1 and 2, 1 and 2. Now you have to circle the number 2, this is the number 1 and number 2. Again I repeat it, trace, count and circle. सबसे पहले आपने क्या करना है, इस 2 को आपने trace करना है ऐसे, फिर आपने इसको count करना है, उसके बाद आपने इसको count करना है ये कितने हैं, 1 2, शो मी योर 2 फिंगर्स, 1 2। उसके बाद आपने क्या करना है,
यस्टरडे वी लर्न अबाउट द नंबर वन, हमने नंबर वन के बारे में पढ़ा था, आज हम नंबर टू के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आपने नंबर टू को ट्रेस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेस द नंबर टू, देन काउंट एंड देन सर्कल द नंबर टू। ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर सेवन। ओपन योर मैथ्स बुक पेज नंबर सेवन। अगेन ट्रेस एंड कलर। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेस द नंबर टू, वन टू, एंड कलर दीज टू ducks. How many ducks are there? One and two. First of all trace the number two, then color the two ducks. Count with me students, one and two. This is the number two. How we write number two? Make a C up to down and straight. Again make a C up to down and straight. Now I will tell you how we write the number two. Previous day we learn about the number 1 and how we write number 1 up to down in a straight form. How we write number 1 up to down in a straight form. Today we learn about the number 2. How we write number 2? Make a C up to down, make a slanty line and move in a straight line. This is the number 2. Again make a C up to down and straight. Again make a C up to down and straight. Again make a C up to down and straight. Okay dear students, like this you make a C, like this up to down. How? Like this, make a C straight and make a C up to down and straight. Again make a C up to down and straight. Again make a C up to down and straight. This is the number 2. Okay students, come to our next work which is Urdu. Open your Urdu book page number 6. Open your Urdu book page number 6. First of all mention here date and then come to the work. Read the statement, trace करें. सबसे पहले आपने अलिफ मदा को ट्रेस करना है, अप टू डाउन, स्ट्रेट एंड डाउन. नेक्स्ट है अलिफ मदा के गिर्द दायरा लगाना है, सर्कल करना है. हमने पढ़ा था There are two family members in the family of Alif. Alif and Alif Madda. ठीक है, हमने yesterday Alif Madda के बारे में पढ़ा था, आज हम Alif Madda को circle करेंगे. Circle the Alif Madda. Alif. This is Alif Madda. This is also Alif Madda. Alif Madda. Alif Madda and Alif Madda. This is Alif. Alif. Alif and Alif and Alif. Let trace the Alif Madda up to down, straight and down. Next statement is Alif Madda ke gird daira lagaye. Alif Madda, Alif Madda. Okay dear students, come to our next work which is social science. Open your social science book page number 15. Previous day we learned about how to keep ourselves clean. Again today we have how to keep ourselves clean. Hum khud ko kaise saaf rakh sakte hain. Put a tick in the box after picture, show the right way to keep ourselves clean. Aapne us box mein tick karna hai jo ye bata raha hai ki ye picture theek hai. This boy is washing his hand. Is it right or wrong? Is it right? Take this box. क्योंकि हाथ धोना तो अच्छी बात है, ऐसे हाथ धोने से हम खुद को साफ रख सकते हैं. We keep clean through washing our hands. Next है brush, brushing teeth. This boy is brushing his teeth. This is also the way to keep ourselves clean. This boy is wiping his nose but wrong way, not a right way. This is wrong. And this boy is putting his thumb in his mouth. This is also wrong. ऐसे हम बिल्कुल साफ सुथरे नहीं रह सकते, जरासीम हमारे मुँह के अंदर जाते हैं. Come to the next page. हाथ धोना अच्छी बात है, ब्रश करना भी अच्छी बात है, इसके ज़रिए हम खुद को साफ रख सकते हैं. ये आप देखेंगे कितनी गंदी बात है,
ये भी और गंदी बात है। नेक्स्ट पेज पे आएँ, कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 16। अगेन वी हैव अ स्टेटमेंट हाउ टू कीप आवर सेल्फ क्लीन। अगेन आपने टिक लगाना है जो चीज़ें अच्छी हैं और जो गलत हैं उनको आपने स्किप करना है। दिस बॉय इज टेकिंग टी और दिस बॉय इज क्रिएटिंग अ मैस इन द रूम। दिस इज ऑल्सो राइट वे। दिस बॉय इज टेकिंग शॉवर। दिस इज अ राइट वे। एंड दिस बॉय इज वाइपिंग हिज नोज। और ये अपना नाक साफ करें टिशू के साथ, रुमाल के साथ, और ये शॉवर ले। ये दोनों हेल्दी हैबिट्स हैं, इस तरीके से हम खुद को क्लीन रख सकते हैं। अगेन कम टू द प्रीवियस पेज, दिस बॉय इज़ वॉशिंग हिज हैंड, दिस बॉय इज़ ब्रशिंग हिज टीथ, दिस इज़ ऑल्सो राइट वे। अगेन कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 16, दिस बॉय इज़ टेकिंग शॉवर एंड दिस बॉय इज़ वाइपिंग हिज नोज। These two are also a good things, a right way to keep ourselves clean.